क्या कोई मुझे बताएगा कि ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? क्या इसे भूख लगी होगी? हाँ, हो सकता है। कोई और रीजन है क्या? गीलेपन की वजह से? हाँ, ये हो सकता है। आपको क्या लगता है? नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं सुष्मिता, आपकी होम केयर एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ड्रीम केयर पर। आज की ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम इस टॉपिक को भी आपको एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए फिर ये स्टोरी शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि एक बेबी बहुत देर से रो रहा होता है। उसकी मदर बाहर कुछ काम करने गई होती है, लेकिन बेबी की आवाज सुनते ही वो दौड़ते हुए वापस कमरे में आ जाती हैं। जब वो चेक करती हैं, तो वो देखती हैं कि बेबी ने बिस्तर पूरा गीला कर दिया था और उसके रोने की वजह ये गीलापन था। उस टाइम पर बेबी ने डायपर भी नहीं पहना था और नीचे सिर्फ एक सिंपल सी चादर बिछी थी, तो सारा गीलापन बेबी की स्किन पर लग गया और उसकी वजह से बेबी इरिटेट होकर रोने लगा। फिर उसकी मदर ने फटाफट से उसको क्लीन किया और चादर भी नई बदल दी। बेचारी अभी अभी कुछ काम करके आई थी और सडनली उसका फिर से एक काम बढ़ गया, क्योंकि चादर तो अब पूरी ही बदलनी पड़ गई। फिर उन्होंने सोचा कि अब बेबी को क्या ही डायपर पहनाना, वैसे भी वो अब सो ही जाएगा, तो उन्होंने बेबी को अपने पास लाकर सुला दिया और वो खुद भी सो गई। वो अक्सर बेबी को दिन के टाइम बिना डायपर के छोड़ देती थी, क्योंकि 24 घंटे डायपर पहना के रखना भी ऑप्शन ठीक नहीं है। उसकी वजह से भी बेबी की स्किन इरिटेट हो सकती है, क्योंकि रैशेस हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि बेबी फिर से जोर जोर की रोने लग जाता है, क्योंकि उसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया। अब क्या, बेचारे उसकी मम्मी फिर उठती हैं, उठकर उसको क्लीन करती हैं और उसके बाद फिर से उन्हें चादर बदलनी पड़ जाती है। फिर इस बार उन्होंने फाइनली बेबी को डायपर पहना ही दिया। तो गाइस, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। इस स्टोरी से हम समझ ही सकते हैं कि माँ का काम आसान नहीं होता। अगर आप एक मदर हैं, तो आप ये समझ ही सकते हैं कि बच्चा तो बिस्तर गीला करता ही रहता है, उस चीज से आप उसे नहीं रोक सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले ही डायपर पहना देती, बाद में क्यों पहनाया? तो मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे डायपर पहनाना इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। थोड़ी देर बेबी की स्किन को सांस लेने के लिए भी छोड़ देना चाहिए। तो अब इस केस में क्या किया जाए? अब आप सोच रहे होंगे, डायपर नहीं तो क्या, क्योंकि सिंपल कपड़े से तो काम बनेगा नहीं। तो इस चीज का भी सलूशन है हमारे पास। ये जानने से पहले, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। तो गाइस, सल्यूशन है ड्रीम केयर की बेबी ड्राई शीट्स। जी हाँ, इन शीट्स की मदद से अब आपको अपने बेबी को 24 घंटे डायपर में नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप बस एक बेबी ड्राई शीट को अपने बेबी के नीचे बिछा दे और वो सारा यूरिन अब्सॉर्ब कर लेगी। इससे आपकी बेबी की स्किन भी ड्राई रहेगी। ड्रीम केयर की ये बेबी ड्राई शीट्स 100% वाटरप्रूफ होती हैं और साथ ही साथ ये हाइपोएलर्जेनिक इन नेचर भी होती हैं। तो अब आपकी बेबी की स्किन रैशेस से बची रहेगी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये बेबी ड्राई शीट्स अपने वेट से कई ज्यादा वेट के लिक्विड को अब्सॉर्ब कर सकती हैं। इसी वजह से अगर आपका बेबी बार बार बिस्तर गीला कर भी देता है, तो यूरिन सतह पर नहीं रहती और अब्सॉर्ब हो जाती है। किसी भी आम कपड़े के मुकाबले ये बेबी ड्राई शीट आपकी बेबी की स्किन को ज्यादा ड्राई रखती है। इन बेबी ड्राई शीट्स को यूज करने की वजह से आपकी बार बार चादर बदलने की मेहनत भी बच जाएगी। तो हुआ ना ये एक बेहतरीन सल्यूशन? ड्रीम केयर की बेबी ड्राई शीट्स आपको अलग अलग कलर्स एंड साइजेस में भी मिल जाती हैं। अगर आप ये बेहतरीन ड्राई शीट्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। हमें नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं। मैं अब आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।